गैज, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के छठे मुकाबले में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ और इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस फैसले को गलत साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर ऑल आउट कर दिया। बताएं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में 12 बार भिड़ंत देखने को मिली है, जिसमें इंडिया 4 जबकि ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीतने में कामयाब रहा। एंड गाइस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर 52 बॉल पे 41 रन बनाकर आउट हुए और स्टीव स्मिथ 71 बॉल पे 46 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, जबकि मार्नस लाबुशेन 41 बॉल पे 27 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल 25 बॉल पे 15 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और पैट कमिंस 24 बॉल पे 15 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क 35 बॉल पे 28 रन बनाकर आउट हुए। एडम जंपा 20 बॉल पे 6 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी 0 पे आउट हुए और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवर में 199 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया को 200 रन का आसान सा टारगेट दिया। एंड गाइस, आपको बताए कि इंडिया के लिए जडेजा 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह 2-2 विकेट लिए। एंड गाइस, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और अश्विन 1-1 विकेट अपने नाम किए। उसके बाद 200 रन के टारगेट का पीछा करने आई टीम इंडिया, बताएं कि जिसमें टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही खराब रही, क्योंकि इस मैच में रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों 0 पे आउट हुए। उसके बाद होना क्या था, फिर से वही हुआ जहां मैटर बड़े होते हैं, विराट कोहली और केएल राहुल वही खड़े होते हैं। उसके बाद विराट और राहुल आए और पारी को संभाला, जिसमें विराट कोहली 116 बॉल पे 85 रन ठोक दिए। गैस, विराट कोहली अपनी पारी में 6 चौके लगाए और केएल राहुल 115 बॉल पे 97 रन ठोक दिए। यार, केएल राहुल सिर्फ 3 रन से शतक से चूक गए। बताए कि राहुल अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए और हार्दिक पांड्या 8 बॉल पे 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 201 रन तक पहुंच गया और ये मैच 6 विकेट से अपने नाम किया और टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया। गैस, जैसा कि 3 विकेट शुरुआत में गिरा था, हमें तो लगा गई भैंस पानी में, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल डूबती हुई नैया को आकर बचा लिया, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं केएल राहुल और विराट कोहली वही खड़े होते हैं। तो अगर आप लोग विराट कोहली के अच्छे वाले फैन हो तो कमेंट में एक बार विराट कोहली जरूर लिखना। तो गाइस, अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।